What will happen if there is a current source in mesh analysis? Now, current source ki wajah se, there may be a super mesh. Aur super mesh ki wajah se, number of equations jo hain, wo reduce ho jati hain. Aur circuit ko solve karna zyada easy hai. If there is a current source in mesh analysis, then there will be two possibilities. The first possibility is, ke jo current source hai, वो सिर्फ एक मेश में आ रहा है, यानी उस करंट सोर्स में से सिर्फ एक मेश करंट पास कर रहा है. वी विल से कि वो करंट सोर्स जिस मेश में आ रहा है, उस मेश का करंट जो है वो करंट सोर्स के इक्वल होगा. फॉर द सर्किट फर्स्ट, no mesh analysis with current source hai, so we have a current source here. Now set the polarities. Resistance ka jo end voltage ke positive terminal ke sath connected hai, that will be positive. Now draw the meshes, because we have to write mesh equations in mesh analysis. This mesh 1 with current I1 and mesh 2 with current I2. And this will be mesh 3 with current I3. Now, first possibility is that current source jo hai, wo ek single mesh mein aa raha hai, aur koi mesh usko share nahi kar raha. Like ye current source hai, aur isme se agar sirf I1 current pass kar raha ho, to hum kahenge ki mesh current jo hai, wo equal hai current source ke, yani 3 ampere ke. Otherwise, second possibility is that jo current source hai, वो कॉमन है बिटवीन टू मेशेस. जिस तरह से यहाँ पे करंट सोर्स है हमारे पास, और I1 करंट भी इस तरह से पास कर रहा है और I2 भी, यानी दो मेशेस मेश 1 एंड मेश 2 के सेंटर में शेयर हो रहा है करंट सोर्स 3 एम्पीयर का. सो दैट विल जनरेट अ सुपर मेश, यानी अगर करंट सोर्स दो मेशेस के बीच में आ रहा है और दोनों मेशेस उसको शेयर कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ सुपर मेश. और जो रेजिस्टेंस उस करंट सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द सुपर मेश लाइक दिस. सो ये करंट सोर्स और उसके सीरीज में जो भी एलिमेंट है वो जनरेट करेंगे एक सुपर मेश. अब ये सुपर मेश जो है, इसमें से मेश 1 का करंट I1 और मेश 2 का करंट I2 दोनों पास कर रहे हैं. इफ देयर हैपेंड अ सुपर मेश, देन हम KVL एंड KCL दोनों अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द सर्किट. KVL और KCL हमने दोनों अप्लाई करने हैं सुपर मेश में. सो इसके लिए हम सर्किट ड्रा कर लेते हैं. नो, सुपर मेश जो है उसको हम डिफरेंटली ट्रीट क्यों करते हैं? बिकॉज वी नो दैट मेश एनालिसिस में हम KVL अप्लाई करते हैं. ये KVL की एप्लीकेशन है. और KVL अप्लाई करने के लिए हमें हर ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज चाहिए होता है. And we do not know voltage across the current source, which is 3 amperes in advance. So, ये एक सुपर मैश बन जाएगा. हम इसको एक सुपर मैश का नाम दे देंगे और उसके बाद हम KVL और KCL अप्लाई करते हुए अपने सर्किट को सॉल्व करेंगे. सो सुपर मैश जो है उसको हमने एक डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया है. और अब मैश 1 और मैश 2 जो हैं वो एक तरह से मर्ज हो गए हैं लाइक दिस. तो मेश 3 जो है विद करंट I3 वो सेम रहेगा, क्योंकि वो करंट सोर्स को शेयर नहीं कर रहा. एट सुपर मेश हम KVL अप्लाई करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स -12. नो, करंट विल बी सेम लाइक I1 हियर, एंड हियर इट वाज I2. ठीक है, अब चूंकि सुपर मेश की वजह से हम मेश 1 और मेश 2 दोनों को कंबाइन करके KVL अप्लाई करेंगे, लेकिन करंट्स जो हैं वो सेम ही रहेंगे. जो जिस कंपोनेंट से करंट पास कर रहा था वो वैसे ही रहेगा. सो 2 ओम रेजिस्टेंस से I1 करंट पास कर रहा था, 2 I1, और
I3 जो है मैश 3 का करंट वो भी 2 ओम रेजिस्टेंस से पास कर रहा है लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में, सो हम I3 करंट जो है मैश 3 का उसको माइनस कर देंगे 2 ओम रेजिस्टेंस से। नो प्लस 4, अब 4 ओम रेजिस्टेंस से I2 पास कर रहा था क्योंकि ये मैश 2 में आ रहा है और I3 करंट भी पास कर रहा है, सो दिस विल बी I2 माइनस I3 प्लस 8 I2। नो दिस इज मैश इक्वेशन। नो सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। So we get an equation and let it be equation 1. Super mesh with currents I1 and I2 and there is another mesh which is I3. So at I3 plus 2I3 minus 4, अब यहां से I3 current हम mesh 3 के लिए ले रहे हैं, सो I2 जो मैश 2 की वजह से करंट था उसको हम अब माइनस करेंगे। I3 माइनस I2 प्लस 2I3 एंड I1 माइनस हो जाएगा क्योंकि हम मैश 3 के लिए ले रहे हैं करंट, इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, वी गेट अनदर इक्वेशन एंड लेट इट बी इक्वेशन 2। सो वी सी कि सुपर मैश की वजह से हमारी इक्वेशन जो नंबर ऑफ इक्वेशन हैं वो रिड्यूस हो गई हैं, क्योंकि अगर सुपर मैश ना आता तो हमारे पास 3 इक्वेशन होनी थी, 3 मैश इक्वेशन फॉर मैश 1, 2 एंड 3, लेकिन सुपर मैश की वजह से मैश 1 और मैश 2 मर्ज हो गए हैं, सो वी हैव 2 इक्वेशन नाउ। सो वी अप्लाइड KVL टू द सुपर मैश। नाउ KCL Kirchhoff's current law, वी हैव अ नोड हेयर, नोड 0, let's draw the direction of current. Current I2 is flowing into the node and current 3 ampere is coming into the node and I1 is going out of the node. So these are the direction of currents at node 0. So applying KCL at node 0, I2 current or jo 3 ampere current and they are going into the node. So sum of currents in is equal to current out is I1. So this is KCL at node 0. So we get I1 minus I2 is equal to 3. We get 3 equations, 2I1 plus 12I2 minus 6I3 is equal to 12. This is equation 1 and second. अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्रैमर रूल भी यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, पहले हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, नो इसमें हम क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू गेट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। क्रैमर रूल में क्या होता है कि हम कोएफिशिएंट्स ले लेते हैं वेरिएबल्स के, I1 वेरिएबल 1 होगा, माइनस 1 एंड 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई 3x3 की, 3 इक्वेशन थी तो 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी और वेरिएबल्स क्या थे, I1, I2, I3। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्स और वेक्टर को तो हमारे पास यही 3 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है, एंड दीज 3 इक्वेशन आर इक्वल टू 12, 0, 3। सो अगर हम इन मैट्रिक्स और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्व कर दें, तो हमारे पास अबव जो 3 इक्वेशंस हैं वही आ जाएंगी। अब इसको हमने डिटर्मिनेंट लेना है इस मैट्रिक्स का, सो डिटर्मिनेंट लेने के लिए इट विल बी लाइक दिस। इफ यू डोंट नो टू टेक डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स देन सी, फर्स्ट पहला एलिमेंट 2 था, 2 आ गया और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो हम स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो
और फर्स्ट कॉलम हमने स्किप कर दिया, तो हमारे पास डायगनल में क्या एलिमेंट्स, क्या डिजिट्स रह गए, क्या एंट्रीज रह गई? फोर, पहला डायगनल 4, 0 × 4, दूसरा -8 × -1 किया तो क्या आ जाएगा 8। नौ, माइनस साइन आएगा अगेन, देन सेकंड जो एंट्री थी 12, अब 12 हम ले रहे हैं तो 12 वाली जो रो है और 12 वाला जो कॉलम है वो दोनों स्किप हो जाएंगे और ये वाली बाकी जो एंट्रीज बची हैं वो हमारे पास रह जाएंगी, उनको हम डायगनली मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2 का फर्स्ट डायगनल लें तो 2 और 0 का 0 आ गया और -8 × 1 = -8। यानी फर्स्ट डायगनल को हमने माइनस कर दिया सेकंड डायगनल के साथ। अगेन -6 एंट्री आ गई, ठीक है, साइन प्लस का आएगा, -6 एंट्री आ गई और फर्स्ट रो -6 वाली रो और कॉलम दोनों हम स्किप कर देंगे तो हमारे पास डायगनल में क्या एलिमेंट्स बचेंगे, दिस वन। अब फर्स्ट डायगनल क्या होगा, 2 × -1 = -2, -4 × 1 = 4। सो अब सॉल्व कर लें इस इक्वेशन को, मैट्रिक्स से हम पहली एंट्री लेंगे 2, जब सेकंड एंट्री लेंगे 12 तो साइन हम माइनस का लेंगे, उसके बाद थर्ड एंट्री पे फिर हम प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है इस मैट्रिक्स का -76। नो वी हैव 3 वेरिएबल्स, सो 3 डेल्टा के वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे। सो फॉर डेल्टा वन के लिए जो 12, 0 और 3 हैं इनको हम रिप्लेस कर देंगे पहले कॉलम के साथ और बाकी दोनों कॉलम्स जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगे। दिस विल बी डेल्टा वन है तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर देंगे जिस तरह से हमने पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है 3/3, सिमिलरली इसी तरह से हम डेल्टा वन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पहली एंट्री 12 और डायगनल में जो भी एलिमेंट्स आए, फर्स्ट डायगनल माइनस सेकेंड डायगनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट डायगनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बोथ एंट्रीज ऑफ द सेकेंड डायगनल, इस तरह से करके सॉल्व करेंगे। सो सॉल्विंग दिस डेल्टा वन विल बी -312। 3 वेरिएबल्स हैं फाइंड करने के लिए, i1, i2 एंड i3, सो 3 ही हमारे पास डेल्टा की वैल्यूज आएंगी, delta 1, delta 2 एंड delta 3। सो डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 में हम फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहने देंगे, 2 है, सो सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 12, 0 एंड 3 के साथ, इस कॉलम के साथ, एंड थर्ड कॉलम एज इट इज आ जाएगा। नो अगेन वी हैव अ 3/3, सो पहली एंट्री वैसे ही आ गई और फर्स्ट डायगनल माइनस सेकंड डायगनल, सेकंड एंट्री के लिए हम माइनस का साइन यूज करेंगे सो -12 आएगा, -12। अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट डायगनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ सेकंड डायगनल, अगेन प्लस साइन आना था लेकिन -6 है तो माइनस आ गया। सो माइनस डेल्टा 2 इज -84 एंड अगेन डेल्टा 3 इज, सो वी फाइंड delta 1, delta 2 and delta 3। डेल्टा 3 में 3 जो थर्ड कॉलम है उसको हमने रिप्लेस किया है 12, 0 और 3 के साथ और फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम रहे हैं, सो वी हैव delta 1, delta 2 and delta 3। अब इनको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड i1, i2 and i3। नो i1 फाइंड करने के लिए i1 = delta 1/delta। डेल्टा 1 क्या था हमारे पास, -312 ओवर डेल्टा क्या था, एंड डेल्टा इज -76, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड i1 विल बी 4.105 एम्पियर्स। सो वी गेट फर्स्ट वेरिएबल विच इज i1। नो टू फाइंड i2, delta 2/delta, डेल्टा 2 इज -84 एंड डेल्टा इज -76, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गए एंड i2 इज 1.105 एम्पियर्स। दिस इज आवर सेकेंड वेरिएबल। टू फाइंड i3, delta 3/delta, delta 3 is -24
over 76. So I3 is, here we have made a mistake, minus 2 minus 4 is equal to 12 into minus 6, and so delta 3 is minus 120. Minus 120 over minus 76. So negative sign will be cancelled out, and I3 is 1.578 amperes. So we get all the three variables I1, I2 and I3. So this was mesh analysis with current source and a super mesh. So teen variables se hamare paas I1, I2 and I3 initially, aur humne super mesh ko use karte hue in teenon variables ko find kar liya.